आज आपका भाग चार में ये फोर बन रहा है। लगातार जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 13 निकालिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात की स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पे थी। अब कल आपको पुराने वीडियो में मैंने ये बताया था प्रीवियस वीडियो में कि शिव जी का जो धनुष था किसने तोड़ा, तो शिव जी का धनुष राम जी प्रत्यंचा चढ़ाने में जब चढ़ाए तो दबाव से टूट गया। तोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था उनका, टूट गया। तो जनक जी का जो प्रतिज्ञा था कि जो इस धनुष को उठा लेगा, डोरी बांध देगा, उसके साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह हो जाएगा। तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। वे बहुत खुश हुए, बहुत आनंदित हुए और उन्होंने मुनिवर से बोला कि महर्षि अगर आप आ गया है तो आज मेरा प्रतिज्ञा पूरी हो गई। महाराज दशरथ के पास यह खबर भेजिए कि मेरी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से होना तय हो गया। क्या ये महाराज मानेंगे, दशरथ जी मानेंगे? तो महर्षि जो थे वो बोले कि क्यों नहीं मानेंगे। और उन्होंने दूत को भेजा, सबसे तेज चलने वाले रथ को भेजा जो हवा के समान तेज गति से कहाँ गई, अयोध्या पहुंचे। अब इधर जनकपुर में भी धूम हो गया शादी का, और उधर क्योंकि बारात आने वहाँ से संदेश हो गया कि वो लोग रेडी है, तो यहाँ बारात की तैयारी होने लगी, वहाँ बाराती के आगमन की तैयारी होने लगी। मतलब दोनों तरफ खुशी हर्ष का माहौल हो गया। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी की लहर छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हो गए। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। मतलब राजा दशरथ जब अपने यहाँ से बारात लेके चले तो वहाँ से मिथिला पहुँचने में, अयोध्या से मिथिला आने में 5 दिन लग गए। और दोनों साइड हर लोग खुश थे कि राम जी का विवाह होने जा रहा है। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पे तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पे वंदन द्वार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छजों से झांकती महिलाएं। एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। अब क्या यहाँ पे वर्णन किया है कि जनक में कितना उल्लास हो गया है। बता रहा है कि हर रास्ते पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गेट बनाया है तो तोरण द्वार बनाया गया है। फूलों का अभी क्या हुआ, अभी मतलब इसका जमाना चला गया है, वो फूलों का पूरा चादर बिछाया गया है, नीचे बिछाया गया है, ऊपर लंबा लंबा किया गया है। हर कोना सेंट से, हर कोना फूलों की मांग से धम धम कर रही है। और हर जगह हर एक प्रवेश द्वार जो भी रास्ता है वहाँ पे फूलों का वंदन, मतलब क्या बोलते हैं इसके से इसके वो सुस्वागतम टाइप से जो होता है पूरा सजाया गया है। हर घर के जो छत्ता है छज्जा है नगर रोड के मतलब मार्ग के किनारे किनारे लोग खड़े होकर राम और सीता को देखने के लिए एक झलक मिल जा कैसे हैं इस टाइप से लोग अति उत्साहित थे। विवाह के ठीक पहले विदेह राज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए और मेरे छोटे भाई उस ध्वज की दो पुत्रियां हैं मांडवी और सुकृति, कृपया उन्हें भी भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। अब जब विवाह का सारा तैयारी हो गया तो विवाह से एक दिन पहले राजा दशरथ से जनक जी बोले कि महाराज मेरी प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई, सीता का विवाह राम के साथ हो गया, एक निवेदन करते हैं अगर आप मान लें तो। बोले कहिए, अब तो हम लोग संगी हैं, यानी कि हम लोग दोस्त हैं, बेहिचक आप बताइए। उन्होंने कहा कि आपकी मेरी बड़ी बेटी सीता और राम का तो हो गया, अब लक्ष्मण
और मेरी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह कर दीजिए, और मेरे जो भाई हैं, भाई का नाम है कुशध्वज। क्वेश्चन हो सकता है कि कुशध्वज कौन थे, समझे? तो मेरा भाई कुशध्वज है, उनकी भी दो पुत्रियां हैं, कौन कौन है, मांडवी और सुकृति, उनका भी विवाह आप भरत और शत्रुघ्न से कर दीजिए। राजा दशरथ को यह प्रस्ताव तत्काल मान लीजिए, मान लिया। अब राजा दशरथ कितने खुश हुए, एकाएक समाचार आ गया कि उनके बेटे का शादी हुआ, लो दूसरा हो गया लक्ष्मण का भी, अब लोग भरत शत्रुघ्न एक साथ एक का शादी के लिए गए, यहाँ पे क्या हो गया, चार चार शादियाँ हो गई। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी, बाराती बहुओं को देखकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, संघ ध्वनि से तालियां गूंज उठी, यह आनंदोत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। अब जब वहाँ से बारात विदा होकर अयोध्या पहुँचे तो यहाँ पे तीनों चारों पुत्र की जो माएँ हैं उनको अपने अपने मंगल आरती उतारे, बहुओं को घर में प्रवेश किया गया, जो मतलब अब जो हो गया वो हंसी उल्लास से सबकी तैयारी में बीत गया। अब वही मत बताए कि वो आए, वेलकम किए, फूल छिड़के, मंगल गीत गाए, संघ ध्वनि हुई, ये सब बता के यह बताया गया कि राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और इधर चारों बहन का शादी हुआ और आराम से अयोध्या में मंगल गीत होते रहे। आज आप लोग का जंगल और जनकपुर समाप्त हुआ। अब हम कल क्या करेंगे, आप लोग का जो हिंदी में अभ्यास पुस्तिका जिसमें आप लोग लिखते हैं कल उसका कुछ क्वेश्चन चैप्टर वन चैप्टर टू जो उसमें बनता है उसको हम लोग करेंगे, आप लोग को बताएंगे। थर्ड चैप्टर होगा दो वरदान, हाँ दो वरदान, ये महीने में दो वरदान कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन से लिखवाने के बाद आप लोग का हम कॉपी चेक करेंगे, जल्दी से जल्दी आके स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाइए, और जिनका हो गया है अब कुछ दिन बाद उनका हम कॉपी चेक करेंगे, ठीक है।